आज एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु का सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से हुआ। इससे पहले पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का की थी। आज के सेमीफाइनल मैच में पीवी सिंधु ने जापान की खिलाड़ी के खिलाफ कड़ा संघर्ष की। तीन गेम तक चले इस मुकाबले में शुरुआत में पीवी सिंधु काफी लय में दिखी। 1 घंटे 16 मिनट तक चले इस मुकाबले का पहला गेम पीवी सिंधु के नाम रहा। पीवी सिंधु पहला गेम 21-13 से जीत ली। वहीं दूसरे गेम में जापान की खिलाड़ी ने पीवी सिंधु को कड़ी टक्कर दी और दूसरा गेम जापान के खिलाड़ी के नाम रहा। जापान की खिलाड़ी इस गेम को 21-19 के अंतर से जीतने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इस गेम में रेफरी का एक गलत फैसला पीवी सिंधु के लिए काफी नुकसानदेह हुआ। दूसरे गेम में एक समय पीवी सिंधु 19-19 की बराबरी पर थी, लेकिन अंतोगत्वा इस गेम को जापान की खिलाड़ी जीतने में कामयाबी हासिल की। अंतिम और निर्णायक गेम में पीवी सिंधु की लय टूट गई और जापान की खिलाड़ी 21-16 के अंतर से अंतिम और निर्णायक गेम जीतकर फाइनल में पहुंच गई और पीवी सिंधु का इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने का सपना खत्म हो गया। पीवी सिंधु के अलावे इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अभी कोई भारतीय नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन पीवी सिंधु का इस टूर्नामेंट में एक मेडल पक्का हो गया है।